ब्रैकेट में जेड वन प्लस जेड टू काउंट कर लेनी चाहिए दोनों में ना भैया, दोनों में मिलेगा ना। इसे कैपिटल टू यहाँ ही, कैपिटल टू यहाँ भी, जब भाग देंगे तो तीन बचेगा यहाँ से, तीन से गुणा यहाँ भी होगा, तीन से गुणा यहाँ भी होगा, और दोनों में से तीन और जेड वन जेड टू कॉमन कर लीजिए, बच जाएगा यहाँ से जेड वन, यहाँ से जेड वन बच जाएगा, यहाँ से जेड टू बच जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे कंटिन्यू हो जाएगा। अब इससे मालूम क्या हो जाएगा, ये देखो क्या है, यह वन प्लस, ये क्या है, जेड वन प्लस जेड टू का होल स्क्वायर है अपान फैक्टोरियल टू है, है ना, जेड वन प्लस जेड टू का होल स्क्वायर अपान फैक्टोरियल टू है, और यह जेड वन प्लस जेड टू का क्यू अपान फैक्टोरियल थ्री है। अब ये एक चीज छूट गया हम लोगों से, हम लोगों ने तो सेकेंड टर्म वाले को तो लिख दिया, लेकिन अभी इसमें फर्स्ट टर्म वाला भी मिलेगा आपको, कैसे देखो, वन का वन में मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है, तो हो गया जेड पावर जीरो वाला टर्म, और जब वन का मल्टीप्लीकेशन इसमें करेंगे जेड टू अपान फैक्टोरियल वन में, तो मिलेगा ना, वो तो छूट ही गया अभी, रिवर्सल मारे कि नहीं आ रही, देखो पहले वन प्लस एक चीज बचेगा, जेड यहाँ जब वन का गुणा इस वाले में करेंगे तो एक डिग्री वाला मिलेगा जेड टू अपान फैक्टोरियल वन, और फिर जब इस वन का गुणा इस वाले में करेंगे तब भी आपको मिलेगा एक डिग्री वाला टर्म, तो ये टर्म आपको मिलेंगे, उसके बाद में फिर सेकेंड डिग्री वाला टर्म मिलेंगे, पहले जीरो डिग्री वाला टर्म मिलेगा गुणा करने पर, फिर फर्स्ट डिग्री वाला टर्म, फिर सेकेंड डिग्री वाला टर्म, ऐसे इसमें होगा, है ना, वन प्लस इसमें देंगे जेड वन प्लस जेड टू अपान फैक्टोरियल वन, इसमें देंगे वन प्लस जेड वन प्लस जेड टू अपान फैक्टोरियल वन और प्लस, देखिए अब किसका एक्सपांशन दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है एक्सपोनेंशियल जेड वन प्लस जेड टू का एक्सपांशन, है ना, ई टू द पावर जेड वन प्लस जेड टू का एक्सपांशन दिख रहा है आपको, यही है कि एक्सपोनेंशियल जेड वन इंटू एक्सपोनेंशियल जेड टू बराबर हो जाएगा एक्सपोनेंशियल जेड वन प्लस जेड टू। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हम सिमिलरली क्लियर करें यहाँ पे, तो एक बातें भी आ जाएंगी यहाँ पे कि एक्सपोनेंशियल जेड वन प्लस जेड टू, ऐसे अगर आप जड़ियन तक बढ़ोगे तो इसका रिजल्ट हो जाएगा एक्सपोनेंशियल जेड वन इंटू एक्सपोनेंशियल जेड टू डायरेक्ट डॉट एक्सपोनेंशियल इंटू करते हुए जड़ियन तक पहुंच जाएंगे, ऐसे अगर बोला जाएगा एक्सपोनेंशियल जेड इंटू सॉरी या ऐसे कर दें इसी को उल्टा करके लिखिए एक्सपोनेंशियल जेड इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस जेड, ये कितना होगा, तो जाएगा एक्सपोनेंशियल जुड़ जाता है दोनों जुड़ जाएगा जेड प्लस माइनस जेड मतलब माइनस जेड मतलब एक्सपोनेंशियल जीरो, एक्सपोनेंशियल जीरो की वैल्यू आएगी, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। और कुछ बातें देखिए आपको एकदम कन्फर्म, जैसे मैं आपको बता दूं जिस प्रकार से आप अब ट्रिग्नोमेट्री की बातें करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब आपके सिलेबस में दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका मतलब आपको पढ़ना है साइन जेड कॉस जेड टैन जेड, ये सब क्या होते हैं सब जानते हैं आप लोग, जैसे आप लोगों ने इलर्स थ्योरम पढ़ा था रियल में, ई टू द पावर आई थीटा इज इक्वल टू आपने पढ़ा था कॉस थीटा और प्लस आई साइन थीटा, ऐसा पढ़ा हुआ था, यहाँ पढ़ेंगे ई टू द पावर आई जेड इज इक्वल टू कॉस जेड और प्लस का आई साइन जेड, ये चीजें आप सेम उसी तरीके से काम करेगा, जहां पे आप यक्ष के रूप में चीजों को पढ़ा था आपने, और वही आपको जेड कर लेना है जो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में, है ना, वही चीज आपको वहां पे जेड कर लेना, कुछ नहीं करना है। कैसे अब यहाँ पे मैं पूछूं ई टू द पावर माइनस का आई जेड क्या होगा, तो बोलेंगे कॉस जेड और माइनस का आई साइन जेड, बात समझ में आ रही है, सेम तरीके से दोनों को जोड़ देंगे आप तो कॉस जेड बराबर मिल जाएगा ई टू द पावर आई जेड और प्लस ई टू द पावर माइनस का आई जेड और बाई टू हो जाएगा, फिर अगर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, घटाने पर साइन जेड इज इक्वल टू मिल जाएगा ए टू द पावर आई जेड माइनस ए टू द पावर माइनस का आई जेड अपान टू आई मिल जाएगा, यह मिल जाएगा, ऐसे आपका टैन जेड चलेगा, टैन जेड निकालना है तो साइन जेड अपान कॉस जेड कर दीजिए टैन जेड आपको मिल जाएगा। अगर आपको बोलना है कॉस हाइपरबोलिक जेड क्या होगा, तो जैसे वहां पढ़ते थे cos hyperbolic x, तो बोलते हैं e to the power x plus e to the power minus x by 2, तो वहां हो जाएगा यहाँ पे e to the power z plus e to the power minus z by 2। sin hyperbolic z क्या हो जाएगा, तो यहाँ बोलेंगे e to the power z minus e to the power minus z by 2, ऐसे ही कर, मतलब साफ साफ है कि आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में जो भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ है बीएससी फर्स्ट ईयर में, है ना, जो भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ है, जो भी बातें वहां पर पढ़ी हुई है, पूरी की पूरी बातें आपको यहाँ भी देख लेनी है, बस देख लीजिए पूरी पूरी बातें सेम टू सेम, बस जहाँ यक्ष था वहीं भी क्या कर देना है आपको
है ना, उसको जड़ से रिप्लेस कर दिए काम, वही चीज जड़ में बोलिए, ठीक है। भाषण मारी है, यही है आपका, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग चालू करेंगे नया टॉपिक कंटूर इंटीग्रेशन, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में, आपके कंपटीशन एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, नोट कर लीजिए इसे। क्या हो गया मास्टर बताओ, करेंगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का, ठीक है। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में बड़े इंपॉर्टेंट आपको पढ़ने हैं कॉची थ्योरम और कॉची इंटीग्रल फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, और है ना आपको इसकी जानकारी निश्चित होनी चाहिए, हर जगह आएगा, कहीं भी आप पढ़ेंगे, फिजिक्स भी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री करेंगे, तब भी आपको ये पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पढ़ ही रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम भी दिखाई देगा और 100% आपके CUT PG में भी आपको क्वेश्चन यहाँ से 100% दिखाई देगा, ये गारंटी। सर आज ही बता दीजिए, कल इन लोग का एग्जाम ही है क्या जी? तो कैसे होगा बताना क्या है, आप उठा के लेक्चर देख लीजिएगा वो अरे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन वाला लेक्चर, उसमें कॉची थ्योरम, कॉची इंटीग्रल फार्मूला और रेसिड्यू थ्योरम, ठीक है, तीन को नोट कर लीजिए आप और 100% जाके देख लीजिएगा और क्वेश्चन लेगा तो कहिएगा, आपने 100% क्वेश्चन आएगा कॉची थ्योरम, कॉची इंटीग्रल फार्मूला और रेसिड्यू थ्योरम पे, ठीक है। और रेसिड्यू थ्योरम, कॉची इंटीग्रल फार्मूला सेम ही तरीके से काम करते हैं, मतलब दोनों एक ही पर्पज से काम करते हैं, तब देख लीजिएगा 100% आपको दिखाई देगा CUT PG में आपके एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है भैया। जो कल जी अब कल नया बातें हैं तो कल स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना निशांत।